गुड मॉर्निंग गाइस। सो यहाँ पे अभी 5 o'clock हो रहा है, सुबह है, देख सकते हैं आप। तो मेरी सुबह 5 बजे होती है और मैं सीधे उठ के बालकनी में आती हूँ। यहाँ पे आके मैं थोड़ी देर बस ऐसे आके थोड़ी देर खड़ी होती हूँ, उसके बाद 5 बजे भी अंधेरा है। आप देखिए, आऊँगी इसलिए क्योंकि बहुत ही ठंड है। तो पहले मैं बाथिंग करने के बाद प्रेयर करती हूँ और प्रेयर करने के बाद किचन में आती हूँ। बट अभी इतना ठंड है, इस वजह से थोड़े मुझे कफ हो गया था बीच में, सुबह नहा रही थी तो इसलिए अभी नहीं नहा रही हूँ। और ये आप देख सकते हैं मेरा ग्रीन लीफ लेमन ग्रास। सो अभी मैं गर्म पानी में इसको उबालूंगी और सुबह सुबह मैं लेमन ग्रास टी पीती हूँ, ये मेरा फेवरेट है। सो ये मेरा लेमन ग्रास है और ये मेरा लेमन ग्रास टी। सो मैं अपने बालकनी में कुछ देर बैठती हूँ एंड इंजॉय करती हूँ अपना लेमन ग्रास टी। इसको पीने के बाद मैं किचन में जाऊँगी, कुकिंग करूँगी, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। आज मैं किचन में क्या बनाने वाली हूँ, आज मैं फ़िश बनाऊँगी क्योंकि शाम को मैंने फ्राई करके रख दिया था। और ये पनीर है और पनीर थोड़ा सा फ्राई करूँगी अपनी बेबी के लिए, उसका ब्रेकफास्ट होगा पनीर। इसमें थोड़ा सा टर्मरिक, नमक एंड ब्लैक पेपर डाल के थोड़ा सा मिक्स करूँगी और फ्राई करूँगी। एंड देन बटर एंड एग मैं बनाऊँगी, ये हमारे लिए ब्रेकफास्ट, मेरे हस्बैंड और मैं एक ब्रेड मॉर्निंग में नाश्ता लेती हूँ ब्रेकफास्ट। सो आज फिश बनाने का है तो चलिए मैं किचन में फटाफट मैं अपना ब्रेकफास्ट और लंच बना के रेडी हूँ, अदरवाइज मैं लेट हो जाऊँगी ऑफिस के लिए। तो मैं जल्दी जल्दी पहले लंच और ब्रेकफास्ट तैयार कर लूँ, अदरवाइज नहीं तो लेट हो जाएगा। तो चलिए मैं फटाफट बना लूँ और उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो ये हमारा टेस्टी फिश करी रेडी है। सो माई फूड इज़ रेडी नाउ। प्रेयर करके आई और रेडी हो रही हूँ ऑफिस के लिए। तो ये है मेरा मॉर्निंग रूटीन। मैं एवरी मॉर्निंग 5 बजे उठती हूँ। 5 बजे उठ के पहले बाथिंग लेती हूँ, उसके बाद प्रेयर करती हूँ, फिर किचन में जाती हूँ। बट अभी कुछ दिनों से बहुत ठंड है यहाँ पे, बारिश हमेशा होती रहती है और ठंड है, इस वजह से मैं सुबह आज पहले बाथ नहीं किया। सो चेंज होता रहता है शेड्यूल, सो डायरेक्ट किचन में गई एंड जो भी डेली रूटीन है, डेली वर्क है, मैंने किया, ब्रेकफास्ट बनाया, जो भी है किचन में, लंच सब प्रिपेयर किया बेबी के लिए, हस्बैंड के लिए। और मैं तो कंपनी में ही मेरा लंच होता है और मेरे हस्बैंड का भी कंपनी में, बट आजकल ये साइट पे ज़्यादा रहते हैं क्योंकि बहुत बिजी है साइट पे, तो साइट पे खाना नहीं जा सकता, इसलिए अभी कंपनी से इनके लिए वहाँ लंच नहीं जाता वहाँ से, सो बंद कर दिया है। बट जैसे साइट कम हो जाएगा तो फिर स्टार्ट हो जाएगा, तब तक मैं घर पे बना के प्रिपेयर करती हूँ और लंच पैक करती हूँ, ब्रेकफास्ट पैक करती हूँ।
तो ये है मेरा रूटीन, मॉर्निंग रूटीन एवरीडे। और अभी हो रहा है 7 o'clock, तो अभी मैं निकलूँगी ऑफिस के लिए। सो गाइस, यहाँ पे भी लोग सुबह सुबह उठ जाते हैं, मतलब 5 बजे। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इंडियन हैं, अब्रॉड वाले जो भी इंडियन हैं हम सुबह उठते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो लोग भी सुबह उठते हैं, इवन किड्स सुबह सुबह 6:30 में भी अंधेरा रहता है। मतलब यहाँ पे 6:40 में ऐसे वाइट मतलब उजाला होता है इधर। तो यहाँ पे बच्चे भी ना 6 o'clock स्कूल के लिए जाते हैं, तो ऐसे शोर सुनाता है बालकनी से। सो गाइज, आई एम रेडी फॉर ऑफिस एंड आई कॉम। मैम नहीं करती उतना क्योंकि मेरे हैंड ही इनफ है। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना केयर करें, ओके, ध्यान रखें, एंड जितना हो सके लोगों की मदद करें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ज़रूरत है हेल्प की, तो जिस भी रूप में हो हेल्प करें। बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा है, थोड़ा में करें, खुश रहें, आसपास लोगों को खुश रखें, हैप्पी रहें, इंजॉय करें लाइफ। ओके, सो गाइस, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज़ गिव मी सपोर्ट, लव, सो आई कैन एक्सप्लोर मोर थिंग्स। बाय बाय, सी यू।